हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट की वाटरमार्क को परमानेंटली ऑफ कर सकते हो। वही जो वीडियो के एंड में आ जाता है जिसमें कैपकट लिखा हुआ होता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, आज इसको हम हमेशा हमेशा के लिए ऑफ कर देंगे, ये और दोबारा कभी आपके वीडियो के एंड में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कैपकट का जो वाटर मार्क है उसे परमानेंटली ऑफ करने वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड अगर आपके पास वीपीएन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते हैं, वहां से आपको कोई भी एक इंस्टॉल करना एंड उसे आप ओपन करना। जैसे कि मैं सुपर वीपीएन को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड वीपीएन से आपको कनेक्ट हो जाना है। और अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन उसे आप सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो वीपीएन से कनेक्ट हो जाने के बाद कैपकट को ओपन करें, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल से एक वीडियो को सेलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे वीडियो के लास्ट में देखोगे ये कैपकट का वाटरमार्क आ जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया, हमने इसे ऐड वगैरह भी नहीं किया था। अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले। अब ये जो है इसको सॉल्व करना लिटरली काफ़ी आसान है। आप यहाँ पे बैक करो, बैक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको ना यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर सिंपली सा क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे देन आपको एक ऐड डिफॉल्ट एंडिंग का ऑप्शन दिखेगा जो कि हमेशा ऑन रहता है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो ऑन है ना, इसी के कारण आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे वाटरमार्क आ जा रहा है लोगों का, समझे। तो आपको इसे ऑफ करना है। सो ऑफ करने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पे एक डिस्कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना, कैप के ऊपर नहीं, डिस्कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑफ हो गया। अब हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं, फिर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से कोई भी आप वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इस बार मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में अब ऐड नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ आप यहाँ पे एक सेटिंग करके इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। वाटरमार्क का लास्ट में अब कभी नहीं आएगा, ठीक है, आपको ये परेशान कभी अब नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से इसे आप कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा एंड अब आप आराम से वाटरमार्क अपने कैपकट के एंडिंग पार्ट से हटा सकते हो परमानेंटली। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।